आशीर्वाद। लगता है कागड़ी इसी में से कोई नई कलाकारी निकालेगी। हाँ मम्मी, अब कागड़ी इतनी बड़ी कलाकारी कर ही रही है तो उसमें थोड़े बहुत रंग तो हमारे लगने ही चाहिए, क्यों? लेकिन अब देखो ना कि देख, ये अनीता तो एकदम चंट है और ये गोपी गवार। गोपी बहु, आ शू करी रहा छो तमे? माझी, मैंने सोचा कि देवर जी, अहम जी और काकी जी के आने के पहले मैं चाय तैयार करूं। हे कृष्ण भगवान, आने शू समझाऊं? तो फिर चुनौती का क्या गोपी बहु? तुम जानती हो ना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। माझी, मैं मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे। गोपी वाओ, एक महत्वपूर्ण कारणवश मैंने ये चुनौती दी है कि मेरी गोपी वाओ मेरे परिवार के लिए आदर्श बहू है और मेरी गोपी वाओ ही ये प्रतियोगिता जीतेगी। इसलिए गोपी वाओ, तुम्हें ये प्रतियोगिता किसी भी कीमत पर जीतनी ही होगी। पर माजी, मैं तो अपने सभी काम दिल लगा के करती हूँ, अपना कर्तव्य समझ के करती हूँ। मैंने कभी कोई काम आशीर्वाद पाने के लिए नहीं किया, तो माजी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब मैं कैसे। गोपी वाओ, मैं जानती हूँ, यही तो तुम में गुण है कि तुम सारे काम दिल से करती हो। लेकिन आज मैं ये चाहती हूँ गोपी वो कि तुम सारे कामों में दिल के साथ साथ अपना दिमाग, इसका भी उपयोग करो। समझी गई गोपी वो? गोपी भाभी, आपको राशि भाभी बुला रही है। मम्मी बताओ तो, ये नेल पेंट इसका क्या करना है? चल एक काम कर, एक नेल पॉलिश की शीशी में वो क्या बोलते हैं, पतला करने वाले को क्या बोलते हैं, थिनर? हाँ बस, अब वो जल्दी से मिला दे। लेकिन क्यों? तुझे जैसा बोला वैसे कर। उफ़ो, मम्मी अभी ना। थोड़ा और डाल। अब मुझे 101 रुपया दे। मम्मी नहीं, गुस्से मिलने वाला है आपको, क्या छोड़ो। तू अपेच के नहीं, 101 रुपया आपके पास नहीं है। ये छोकरी गरीब दुखियारी का मजाक नहीं उड़ाते। अरे मैं तो लाखों में खेलती थी, मारी पासे लॉटरी ना पैसा आता। अरे लॉटरी ना पैसा तो गया, अने डूबते को किनारे तक पहुंचाने वाली किंजल दीदी भी गई। जल्दी देना। छू, इतने से पैसों के लिए इतना नाटक मत कर, तुझे अपने पैसे की पड़ी है। एक गोपी उधर हार गई और वो अनीता लोमड़ी जीत गई, जरा सोच के देख तेरा जीवन कैसे नरक जैसे बन जाएगा। अच्छा एक मिनट, दिख रहा, जरा हाथ में नेल पॉलिश लगा देना। वो राशि तेरी तरह अच्छे से नहीं लगा पाती ना।
अनीता दिख रहा? इधर आ। जी आंटी, जरा मेरे पैरों में ये नेल पॉलिश लगा देना। जी मामी, मैं लगा दूंगी। नहीं नहीं आंटी, मैं लगा दूंगी। फैमिली मेंबर ना सही पर है तो बड़ी। हाँ अनीता, नहीं तो वो मैं बहुत सुंदर कलर है ना, सुंदर। हो गया मम्मी। अरे वाह गोपी दुकरा, तूने तो बड़ी अच्छी नेल पॉलिश लगाई है। मेरा भी। आशु, दादी करा, हाथों के मुकाबले तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। ने कितनी अच्छी नेल पॉलिश लगाई है। ये ले। आले मारी तरफ थी, अने खुश रहे। नहीं नहीं मामी, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? अरे मेरा आशीर्वाद है तेरा नेल। थैंक यू। आंटी, नेल पेंट। अरे मजा आवशे अगर कागड़ी मुझे काकड़ी खाते हुए देखेगी तो। काकी जी की ये कलाकारी तो चल निकली और हमारी कलाकारी के वजह से गोपी ने भी 101 रुपए कमा लिए। वैसे वो अनीता है कहाँ, आपको दिखाई दी? नहीं लागे छे मैंने उसे बाहर के कमरे में जाते हुए देखा है। तू जल्दी से तेरे हाथ का काम खत्म कर, फिर चल के देखते हैं अनीता और गोपी क्या कर रहे हैं। वैसे आज मजा आ गई। अनीता ने क्या कहा था? बोल रही थी ये नाखूनों की पॉलिश ही खराब है। मने मन थई गयो कि कह दूं कि ना पॉलिश नहीं तेरा नसीब खराब है। लेकिन मम्मी आपने मेरे नेल पेंट में थिनर डाल के उसे खराब कर दिया। तो शो थयू दूसरी ले लेना, वैसे भी तो सोम बाजार से तो ली थी। अब क्या कहते हैं उसे, हाँ मंडे मार्केट। मम्मी प्लीज इस घर में मंडे मार्केट का नाम तक नहीं लेना।
शिविन, ये गलत है और गलत तरीके से मैं नेक नहीं कमाना चाहती। और ये तो अनीता बिन के साथ अन्याय होगा ना। अच्छा, और वो अन्याय जो तेरे साथ कर रही है उसका क्या? राशि बिन, अगर अनीता बिन गलत है इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी गलत बनूं। आप आगे से इस तरह मेरी मदद मत करिए। मैं खुद देख लूंगी। हे महाराज ठाकुर जी, इस गानों शुकर।